I introduce the bills. आइटम नंबर 14 श्री किरण रिजिजू जी कमेटी में जा रहे हैं। सर विद योर परमिशन आई राइज टू मूव फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द मुसलमान वक्त रिपील बिल 2024। एटी मोहम्मद बशीर आइटम नंबर 14 पे बोलना चाहते हैं। इंट्रोड्यूसर दूसरा बिले छोड़िए सर, अगला लीजिए, नेक्स्ट बेनी बनन नो के राधा कृष्णन नो सौगत राय जी। सर ये जो बिल है मुसलमान वाकफ बिल को वापस लेने के, वैसे भाई मुझे बोल रहे थे फिर तुम बोलो। सर अभी मंत्री जी प्रस्ताव लाएंगे, अभी नहीं इसके बाद, अभी इनको बोलने के बाद। सर सर अंडर रूल 72(1) आई अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस बिल ऑन मुसलमान। एक मिनट, अभी वह प्रस्ताव ला रहे हैं इस कमेटी में, ये बिल और वह बिल एक ही है, ये सेकंड पार्ट उसमें नहीं है। सेकंड एक ही बिल है, रिपील करने का बात, रिपील करने का। न सर, मैं दो ही चीज बोलने चाहता हूँ। ये संदेह ये होता है कि सरकार मुसलमान वाकफ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। सारा देश में वाकफ बोर्ड के हाथ में 8.7 लाख प्रॉपर्टी है, इसका पूरा एरिया है 9.4 लाख एकर्स अक्रॉस इंडिया, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू है 1.2 लाख करोड़। सरकार इस पर दखल लेने चाहते हैं, इसलिए कलेक्टर का बात जो बोला, पहले तो कलेक्टर नहीं था, तो सरकार इसमें इंटरफियर करने चाहते हैं। और ये बोलते हैं कि दो मुस्लिम वुमेन और टू नॉन मुस्लिम मेंबर्स ऑन द बोर्ड। ये नॉन मुस्लिम मेंबर बोर्ड में जाएगा तो वाकफ बोर्ड का जो सैंक्टिटी वो खराब हो जाएगा। इफ इट्स ए मुस्लिम प्रॉपर्टी गिफ्टेड बाय ए मुस्लिम फॉर द बेनिफिट ऑफ मुस्लिम्स, ये नॉन मुस्लिम नहीं होना चाहिए। सर इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एज एन आर्बिटर टू डिसाइड इफ ए प्रॉपर्टी इज ए वाकफ और गवर्नमेंट लैंड। इसलिए ये बिल को, मुसलमान वाकफ एक्ट बिल को विथड्रॉ करने का जो कोशिश है, मैं उसको पूरा विरोध करता हूँ। किरण रिजिजू एक घंटा बोला है, हमारे कलीग वाईसी साहब पहले वाला बिल में डिवीजन मांगे हैं, उसको भी मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ये बहुत सेंसिटिव बिल है, ये बहुत सेंसिटिव बिल है, इसमें कोई जल्दीबाजी कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट का जो कानून है, आपने चर्चा का मौका दिया, सब लोग बोला, तो अभी डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन कराए, इसमें क्या हर्जा हो सकता। ये पूरा चीज
सरकार के हाथ में नहीं जाना चाहिए। ओके ओके मुसलमानों को मंत्री जी मैन जो एक्ट रिपील का मैं मूव किया है, मैंने मूव कर चुके हैं जो 1923 मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को रिपील मैन का, उसको तो रिपील कर ले। ओके तो मैं बताऊंगा, आप जानना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा। आप दो मिनट बता दो सर, मैं दो मिनट बता सर। जाने तो ना हाँ सर, नहीं रिपील मैन का ये सर, रिपील मैन का ये है सर, मुसलमान वक्त एक सर, द मुसलमान वक्त एक 1923 वाज ब्रॉट इनटू फोर्स ऑन 5th अगस्त 1923 एंड अप्लाइड टू द होल ऑफ देन ब्रिटिश इंडिया। सुनिए क्यों वो कानून स्टैट्यूट बुक में रहना ही नहीं चाहिए था, इतना साल रहा रिपील करना चाहिए ना, इंक्लूडिंग ब्रिटिश बलूचिस्तान एंड संथाल परगनास, समय का जुरिसडिक्शन मैं बता रहा हूँ। द वक्त एक्ट 1954 व्हिच इनेक्टेड द लॉज ऑफ वक्त फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया प्रोवाइड्स वाइट सेक्शन 69 क्लॉज 1 सब क्लॉज 5 दैट द मुसलमान वक्त एक्ट 1923 डज नॉट अप्लाई टू एनी वक्त गवर्न बाय द 1954 एक्ट। तो इन इफेक्ट 1923 मुसलमान वक्त एक्ट इन इफेक्ट रिडंडेंट हो चुका है, ये सर एप्लीकेबल नहीं है। सो इन इफेक्ट ये रिडंडेंट हो चुका है, इसलिए सर स्टैट्यूट बुक में नहीं रहना है, इसलिए मैं ये रिपील अमेंडमेंट इसको भी आप इसको भी रिपील को भी कमिटी में भेज रहे हो ना। ये एक्ट एक्चुअल में 1995 एक्ट और 2013 का अमेंडमेंट आने के बाद अस्तित्व में नहीं, हम कागज पर से निकाल रहे इतना ही है। और मैं मानता हूँ इसमें विपक्ष सहमत होगा, इस पर जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाएंगे। प्रस्ताव क्या आपका जो ये रिपील मैन वाला तो सर इसका जॉइंट पार्लियामेंट दूसरा सर जो जो 2024 वक्फ अमेंडमेंट बिल को हमारा तरफ से हम प्रस्तुत करते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर मैं सभी माननीय सदस्यों सभी दलों के से नेताओं से बात करकर इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को बनाऊंगा। ठीक है, प्रश्न की विधेयक को पुरस्ताबित करने की अनुमति बताएं सर। पढ़ी डिवीजन हाँ करा लो डिवीजन बैठो। प्रश्न ये की विधेयक को पुरस्ताबित करने की अनुमति बताया, जो सदस्य पक्ष वहाँ के हैं, जो सदस्य के विरोध में ना के हैं। हाँ पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं बिल का प्रस्तावित करता हूँ चल रहा है सर। 67 ये कहता है सर कि यदि दो आइडेंटिकल बिल एक साथ हैं तो एक बिल को जो है सरकार वापस ले सकती है, ये रूल कहता है। इसमें कौन सा डिवीजन का बात है सर? आपका जो रूल है ये कह रहा है दोनों आइडेंटिकल बिल है, ये 1923 का बिल है जिसको कि हटा के ये वक्त 95 को लाया जा रहा है, दोनों बिल एक है, यही तो रूल कह रहा है सर जी। अच्छा आप बोल रहे हैं डिमांड अ डिवीजन सर, दिस इज माय राइट, आई वांट अ डिवीजन सर प्लीज। आपका राइट तो है लेकिन राइट जो है इस पे कैसे राइट बनेगा आपका सर? हम तो शुरू से बोल रहे हैं डिवीजन, शुरू से तो बोल रहे हैं। आप ही नहीं सुने तो मैं क्या करूं सर? नहीं मेरा तो राइट है, हम तो आप स्पीकर नहीं सुने तो कैसा होगा सर? ना 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 मैं तो शुरू से बोल रहा हूं डिवीजन करवाइए, डिवीजन करवाइए। प्रश्न की विधेयक को पुरस्ताबित करने की अनुमति प्रदान की जाए, जो सदस्य के पक्ष में हाँ के हैं, जो सदस्य विरोध में ना के हैं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की तो माननीय विधायक को पुरस्तापित करें। I introduce the bill, sir. माननीय सदस्य नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए, जो सदस्य 377 के अधीन मामलों को सदा पटल पर रखना चाहते हैं वे सभा पटल पर रख सकते हैं। आइटम नंबर 16 भारतीय वायुमा